अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो लेट मी टेल यू, आप बहुत डर में होंगे, बहुत ज्यादा डर में, और आपसे उस डर के मारे बिस्तर से उठा नहीं जा रहा होगा। सो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, वो डर को साइड में रखना पड़ेगा, काम करना शुरू कर दो, तभी बात बनेगी। पर ये पैप टॉक सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, बट एक्चुअल में नहीं इंप्लीमेंटेशन हो रही है। अगर आपको ये अप्लाई करना है कि आपका डर आपसे भाग जाए, तो आपको रिवर्स प्लानिंग चाहिए होगी। 18 अप्रैल से उल्टी प्लानिंग चाहिए होगी, जिससे आपके टॉपिक्स कवर हो जाए। यहाँ पर अनुज सेठ सर आ रहे हैं, जो कि अनअकैडमी में टॉप एजुकेटर हैं एनडीए के फील्ड में, और उन्होंने लास्ट एनडीए में 200 प्लस सिलेक्शन दिए हैं, और इस बार वो कह रहे हैं इससे भी ज्यादा तगड़ा रिजल्ट जाएगा। ये मानना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, अनअकैडमी 200 प्लस सिलेक्शन बहुत ही स्ट्रांगली क्लेम करता है, और इसलिए वो कोर्स फिर से ऐसा ला रहे हैं जहां पर 200 सिलेक्शन या उससे ज्यादा सिलेक्शन हो सके, बट इनकी बात सुनेंगे। अब यहां पर वो कुछ बातें बात करने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, एनडीए एग्जाम, तीनों के बारे में। सारे डर आपके, आप गलतियां जो करते हैं एनडीए एग्जाम में उसकी भी, और ये बात भी कि कई चीजें अनअकैडमी की ऐसी हैं जो आपको इतना फायदा दे सकती हैं कि आपके सिलेक्शन का हो जाए। आप समझ के देखिए, जब आप रॉन्ग डिसीजन लेते हैं तो आप अपनी करियर के साथ जुआ खेल रहे हैं, और आप में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार ही नहीं है। वो ये बात मानते हैं कि अगर हमें कुछ करना है तो वो अभी करना है, क्योंकि 12th के बाद क्या होगा वो हम नहीं जानते। तो यही मौका है, तो मुलाकात करते हैं अनुज सर से। जय हिंद अनुज सर, कैसे हैं सर आप? जय हिंद शुभम सर, कैसे हैं आप? ऑल गुड सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली रियली जेलस ऑफ योर मॉस्टैच, काश मेरी होती, आज तक मुझे ना शेव करके आना पड़ता अपना सारे इंटरव्यू में। हाँ आप भी रख सकते हैं, बहुत अच्छी लग रही है आपको। नहीं सर, थैंक यू सो मच, कॉम्प्लीमेंट्री वो भगवान की देन नहीं है, यहाँ पर ना चैपलिन वाली मुझे आ जाती है, मेरी यहाँ से गायब हो जाती है। ओके ओके ओके, सो इसलिए मुझे जेलसी आपसे ज्यादा है सर, और 10वीं क्लास के लौंडों से भी उन्हें लगती है कई बार उनकी मुझे जल्दी आ जाती है, हमारी आती नहीं तमीज में। खैर सर, मैं आपसे बात आज करना चाहूंगा, बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं अभी, ठीक है, और एनडीए एग्जाम भी आ रहा है 18 अप्रैल, लोगों का सपना एनडीए ज्वाइन करना है, तो अभी क्या करें, तैयारी एनडीए की छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स तो सर मई में है, अभी प्री बोर्ड चल रहे हैं, और ये एक बड़ा पॉइंट है बच्चों के लिए कि क्या किया जाए, बीच में बच्चे फंस गए हैं। हाँ मैं फंस गए, मैं एक स्टेटमेंट डालना चाहूंगा सर, स्कूल वाले कह रहे होंगे प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाओगे तभी बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्या करें? प्री बोर्ड में अच्छे नंबर लाओगे तभी बोर्ड में अच्छे नंबर लाओगे, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन जो बच्चा पूरा डेडिकेटेड था एनडीए के लिए ना, हाँ, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई। बहुत बच्चा एनडीए की प्रिपरेशन करके यूनिफॉर्म गेट करना चाहता था, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई, वो फंस गया बीच में ना, कि मतलब हाँ। वो क्या करे, वो सीबीएसई को जोड़ दे या फिर एनडीए को जोड़ दे। बिल्कुल, अब तक ऐसा हुआ है सर कि हमेशा एनडीए का पेपर सीबीएसई के बाद ही हुआ है। बिल्कुल, हमारा देखा जाए तो मार्च के एंड में हमारे बोर्ड के पेपर खत्म हो जाते थे जी, और उसके बाद अप्रैल के सेकंड वीक का जो संडे है, सेकंड और थर्ड वीक का जो संडे होता है, उसमें एनडीए का पेपर होता है। तो बच्चों को फिर भी कई बार ऐसा भी इंस्टेंस हुआ है कि 18 मार्च को पेपर खत्म हो गए और 18 अप्रैल को एग्जाम है, 23 अप्रैल को एग्जाम हुआ है कई बार, तो 30 डेज का गैप मिल जाता था जी। यहाँ पे तो इस बार बोर्ड के पेपर एनडीए के पेपर के बाद हो रहे हैं, हाँ। बच्चे का फोकस पूरा का पूरा बिखर चुका है। बिल्कुल। लेकिन अगर जो स्मार्ट तरीके से बच्चा है, काम करता है, तो कर सकता है। स्मार्ट तरीका, ओके, जरा मैं आपके स्मार्टनेस से पहले कुछ, जो आप स्मार्ट तरीका बताएंगे, मैं उससे पहले कुछ बात जानना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर अ काइंड ऑफ टीचर जिसने अभी रिसेंटली लास्ट एनडीए में 200 प्लस सिलेक्शन दिए हैं एनडीए रिटर्न के अंदर जी, और वो भी हाईएस्ट सिलेक्शन रेट है, और इनफैक्ट आप कह रहे हैं आने वाले में जो होगा उसमें और तगड़ा होगा। बिल्कुल सही बोले हैं, वेरी कॉन्फिडेंट ऑन माय रिजल्ट, जो मैं इनपुट दे रहा हूँ। ये जो अभी 18 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है, बेशक हाँ। बोर्ड के पेपर बाद में है, हाँ आई अंडरस्टैंड कि बोर्ड के पेपर बाद में है, बच्चे पैनिक है, बहुत घूम रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं, लेकिन मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि इस बार का जो रिजल्ट होगा एनडीए का, तो पिछली बार से और बेहतरीन होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग मोर देन 300 स्टूडेंट, बिकॉज ऑलरेडी मोर देन 600 स्टूडेंट्स आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम मी ऑन अनअकैडमी प्लस, एंड उनको कुछ लेना देना नहीं है, वो मतलब मुझसे इतने घुल मिल गए हैं, उनको पता है कि उनका फोकस दोनों जगह पे कर दिया अनुज सर ने, उनको पता है कि हम सीबीएसई भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, और उनको पता है हम एनडीए को तो बिल्कुल अच्छे तरीके से करके आएंगे। और उन बच्चों के लिए भी मैं बात करूंगा आपसे, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट भी नहीं करी ना जिन्होंने,
इवन दे देन कैन दे कैन प्रिपेयर देयरसेल्फ फॉर एनडी रिटर्न. ये तो आप सर मजाक कर रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं, 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 मजाक नहीं कर रहा, मजाक कर रहे हो आप सर. मूंछों की कसम खा के बोलो तो मैं इस बारे में बात करूं आगे. बिल्कुल मूंछों की कसम है, ये बात बिल्कुल बहुत लगेगी अजीब बच्चों को, लेकिन ये अगर बच्चे का फुल डेडिकेशन है और मेरे कहने पे चलते हैं, हमारे जो टॉप एडुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके चलते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ 1 month के अंदर बच्चा इजिली रिटर्न की तैयारी कर सकता है. बट कंडीशन है क्या, उसमें पूरा कोर्स नहीं करवाया जाएगा. मैंने बोला ना स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क की किस तरह से एग्जाम को निकाला जा सकता है स्मार्ट तरीके से, उसके लिए मैंने बोला. ठीक है, तो आपने मूंछों की कसम खाई है तो मैं जरा इसको थोड़ा आगे डिग इन करता हूँ. ठीक है, तो मेरा पहला सवाल सर आपके सामने है, मैथ्स की अगर बात करें तो उसमें 11th का सिलेबस भी आता है, 12th का सिलेबस भी आता है. 12th का आता तो मैं मान भी लेता कि बोर्ड के साथ तैयारी हो भी जाएगी. तो आप जो स्मार्ट तरीका बताया, तो स्मार्ट तरीका है क्या, जरा थोड़ा आप बताएं जरा. स्मार्ट तरीके की सर बात करूं अगर, तो पहले तो मैं बता दूं कि 11th क्लास और 12th क्लास के मिला के टोटल अगर चैप्टर्स को डिवाइड किया जाए मैथमेटिक्स की, पहले हाँ. मैथमेटिक्स की बात करूंगा सर, उसके बाद जीएटी पे आऊंगा. 11th क्लास और 12th क्लास के टोटल चैप्टर्स की बात की जाए 37 चैप्टर जी, मतलब पूरी 11th 12th बच्चा एनडी के अंदर पढ़ता है. और सिर्फ वो वाला पोर्शन नहीं है सिर्फ सीबीएसई का, सीबीएसई के अलावा भी बहुत सारा कंटेंट एनडी में पढ़ाया जाता है. मतलब जेई मेन से तो लेवल कम ही रहता है, बट सीबीएसई से ऊपर रहता है. अब आती है बात 11th और 12th दोनों की, दोनों पढ़ाई साथ में करना, सीबीएसई के पेपर सर पे, इवन देन मैं कह रहा हूं कि 1 महीने में तैयारी हो जाएगी. हाँ. वो स्मार्ट तरीका जो आप पूछ रहे हो उसमें आपको बताता हूँ. इस बार जैसे कोरोना के टाइम पे एनडीए 1 और एनडीए 2 2020 का दोनों एक साथ हो गया था, तो हमें पहले से ही पता था कि इस बार 11th का पोर्शन ज्यादा ही आना था. जो हमारा 6 सितंबर को एग्जाम हुआ 2020 वाला, उसमें हमें पहले से ही पता था कि एग्जाम में 11th का पोर्शन ज्यादा आएगा. ठीक है. तो मैंने वहां पे भी स्मार्ट गेम बताई बच्चों को, बहुत सारे बच्चों के मैं आपको व्हाट्सएप भी दिखा सकता हूँ, स्क्रीनशॉट मैंने दिखाए भी हैं, टीम को भी दिखाए हैं कि एक बच्चे ने सिर्फ 25 दिन मुझसे कोचिंग लिया अनअकैडमी प्लस पे और उसने रिटर्न क्लियर करा सिर्फ मात्र 8 चैप्टर्स पढ़ के सर, सिर्फ 8 चैप्टर्स की बात करो. ठीक है, 37 चैप्टर्स नहीं पढ़ने इस 1 महीने के अंदर, ये स्मार्ट वर्क नहीं होगा. स्मार्ट वर्क क्या है कि वो 8 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको पढ़ के बच्चा 100 स्कोर कर सकता है. क्या है वो? हाँ डेफिनेटली आई एम कमिंग ऑन दैट, लेकिन उससे पहले आपको बताऊंगा इस बार की स्ट्रेटेजी जो मेरी है, मैं 100 मार्क्स के लिए काम ही नहीं कर रहा है 1 महीने के अंदर, मैं कर रहा हूँ 13 चैप्टर्स पे काम. ओके, 13 चैप्टर ऐसे हैं 37 चैप्टर में से जो आपको 150 स्कोर कर देंगे. हाँ सर, सस्पेंस तो आप बहुत बना दिया, बट है क्या क्या है वो, मैं भी जरा सोच रहा हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है वो चैप्टर जो है उसमें आधा से ज्यादा पोर्शन 11th का है. जैसे अगर मैं पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के कोर्स को डिवाइड करूं तो उसमें आती है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आती है कैलकुलस, उसमें आती है अलजेब्रा, उसमें आता है 2D, उसमें आता है 3D, उसमें आता है स्टैटिस्टिक्स एंड बाइनरी नंबर. तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, उसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं, उसमें से एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड रेशियो, उसको आप पिक करेंगे. इसके अलावा आप कैलकुलस के फंक्शन चैप्टर होता है उसको पिक करेंगे. ठीक है, इसके अलावा एक लिमिट चैप्टर है उसको पिक करेंगे, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसको पिक करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन ये आप कैलकुलस का पार्ट लेंगे. इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपका अगर मैं बात करूं स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी सेट, दीज आर द चैप्टर्स इफ यू कवर इन दीज 30 और 35 डेज जो बचे 18 अप्रैल के लिए, बच्चा इनमें से 150 प्लस स्कोर कर सकता है इजीली. ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ सर, मेरा एस्टिमेशन ये है कि बच्चा प्री बोर्ड में और बोर्ड में फेल हो जाएगा. मैं बताता हूँ कैसे, मैंने कैसे एस्टिमेशन लगाया, आप मेरी बात को गलत काटेगा. ठीक है सर, ये मूंछों का सवाल है तो आपको काटनी पड़ेगी. देखिये सर, जो आपने टॉपिक बताया 11th के हैं प्री बोर्ड, अब 11th के जो टॉपिक है उनके लिए टाइम तो देना पड़ेगा. अब मैथ्स के टॉपिक ऐसे तो नहीं आधे आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे. ठीक है, अब उसमें टाइम अच्छा खासा जाएगा, तो बोर्ड की तैयारी या प्री बोर्ड की तैयारी कैसे करेगा, और प्री बोर्ड में नंबर कम आए तो उसका तो मोरल डाउन हो जाएगा सर. बच्चे को अगर एनडीए में जाना है, उसका एम है एनडीए में जाने का, तो अगर वो इतना भी प्रेशर नहीं ले सकता है कि 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ ले, तो फिर कैसे होगा आप मुझे बताइए. मैं आपको बताता हूँ मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई बच्चों के लिए, और मैं बनाता हूँ उनको अनाउंस भी करता हूँ, बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को ना, कि किस तरह से अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे आप लोग तैयारी भी कर सकते. मैंने बच्चों को सीधे सिंपल सा बोला 3 बजे से पहले सीबीएसई पढ़ो. हाँ. भूल जाओ 3 बजे के बाद,
तुमने सीबीएसई पढ़ी, ओके, सीबीएसई की बात ही मत करो, और 3 बजे के बाद आप एंडिंग प्रिपरेशन करो। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी उठा लिया, कभी भी तुम 11 बजे इंग्लिश उठा रहे हो तो 1 बजे तुम एनडीए की टेंशन लेके बैठे हो, या फिर 3 बजे से पहले एनडीए की प्रिपरेशन करो और 3 बजे के बाद सीबीएसई की प्रिपरेशन करो। मतलब सबसे पहले तो अपने दिन को इस तरह से डिवाइड करना बहुत जरूरी है। सर आप ना समझ नहीं रहे, आपने दिन बड़ा अच्छे से डिवाइड कर दिए, बट आप सोच के देखो उनके ऊपर ना माँ बाप का प्रेशर है, बाकी 4 सब्जेक्ट का प्रेशर है, रिबोर्ड का डंडा है ही, और कईयों के ऐसे हाल हैं कि मम्मी पापा टीचर से डायरेक्ट कॉल करके बात करते हैं, जी मेरा लड़का क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है, पूरे साल के अंदर इन लोगों ने पढ़ा भी होगा, ऐसा तो नहीं कि अभी ही कर तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई। ये बात भी है, मैं उन बच्चों की सर बात नहीं कर रहा जिन्होंने बिल्कुल ही पूरे साल में कुछ नहीं किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने एफर्ट पहले मार रखे हैं, उनको अपने आप को पॉलिश करना। अच्छा, मैं उन बच्चों को तो कंसीडर करना भी नहीं चाहता हूँ अभी ना, ओके, तो अभी बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रखी सीबीएसई की, तो मैं उनको कहूंगा तुम भाई 5 सितंबर की तैयारी करो जो एनडीए का पेपर 2021 में होना है। अच्छा ठीक है, डोंट रियून योर एनडीए की प्रिपरेशन एज वेल एज सीबीएसई की, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु हैव ऑलरेडी स्टडीड समथिंग। ओके ठीक है, सो अभी आपने मोटा मोटा तो मुझे बता दिया कि ये वो हो गए टॉपिक्स, ठीक है। चलिए अभी जरा ये टॉपिक कहां से करें, एनसीईआरटी की बुक उठा के कर लें, कहानी खत्म? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, एनसीईआरटी की बुक को मैं रिकमेंड नहीं करता। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, लोग तो कहते हैं एनसीईआरटी की बुक से सिलेबस आता है। नहीं आता एनसीईआरटी में सर, पूरा डिस्क्रिप्टिव एक ट्रेडिशनल तरीका है चीजों को समझाने का। ओके, अनअकैडमी की आप मेरी क्लासेस देखिए, अनअकैडमी की अगर आप मेरी क्लासेस को देखते हैं उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने कहीं पर भी मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बात नहीं करी, एनसीईआरटी को टच करने की भी बात नहीं करता मैं। एनसीईआरटी आपका बेस होता है, वो बेस आई अंडरस्टैंड कई सारे लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और एनडीए रिटर्न निकाला भी है कई उन्हें, वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी। आई नो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के अगर आप सोच रहे हैं रिटर्न निकाल लेंगे, वो ट्रिक्स सीख लेंगे, वो शॉर्टकट सीख लेंगे, वो जनरल रिजल्ट्स के थ्रू आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो एनडीए के रिटर्न में, इम्पॉसिबल है। एनसीईआरटी इज अ बेस होता है, आपको पॉलिश करना है तो आपको एक अच्छे एडुकेटर की जरूरत है जो आपको गाइड करे, आपके नोट्स बनवाए, आपके टेस्ट ले, आपको ट्रिक्स सिखाए, दैट इज अ मस्ट, दैट कैन बी डन ऑन एन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म। मैं आपको बताता हूँ सर बात ना, मैंने लास्ट टाइम जो हमारा 6 सितंबर को एग्जाम था एनडीए रिटर्न का, एनडीए का 2020 का, उसके एक जस्ट एक महीना पहले मैंने एक कट ऑफ कोर्स लॉन्च किया प्लस के प्लेटफॉर्म पे, जिसमें सिर्फ मात्र मैंने 8 चैप्टर्स करवाए बच्चों बच्चों को। मैंने ये बोल दिया था कि आप फिर सब कुछ भूल जाएंगे, इन्हीं 8 चैप्टर्स पे धावा बोलेंगे, इन 8 चैप्टर को इस बेहतरीन तरीके से करेंगे कि आपको पहले से ही पता होगा पेपर देने से पहले कि मैं इन 8 चैप्टर का क्वेश्चन तो ठीक करके ही आऊंगा। समझ रहे हैं बात को? तो ठीक है, ओके सर, मैं आपकी बात बहुत गहराई में समझ रहा हूँ, मैं एक्चुअली एग्री भी कर रहा हूँ, बट मैं पार्शली एग्री कर रहा हूँ, ठीक है। सो स्टिल आपकी जो मॉस्टर है अभी खतरे में है। अच्छा सर मैं एक बात करना चाहूंगा, आपने एनसीईआरटी किताब को तो मना कर दिया, वो तो बेस है जो अब तक लेके चल रहे थे, 11 की एनसीईआरटी कईयों ने उठा ली होगी, तो अब उन्हें कौन सी किताब उठा लें? मैंने सुना है पास्ट ईयर क्वेश्चन भी है कि ऑप्शन रहता है लास्ट मोमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो सर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर कॉन्सेप्ट्स आपके ग्रिप में नहीं है तो बुक उठाने का भी फायदा नहीं। ओके, तो सबसे पहले तो ये है कि हम अपने कोर्सेज जो हमारे चल रहे हैं, जो मेरे बहुत ही खूबसूरत कोर्सेज मैंने अकेडमी में डाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री का अलग डाला है, अलजेब्रा का अलग डाला है, उसको बच्चा अगर देखना स्टार्ट कर देता है और साथ साथ PYQs जो UPSC की वेबसाइट से मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाता है साथ साथ, तो उसके लिए बहुत इस टाइम फायदेमंद यही रहेगा कि आप अपना एक 1 मंथ के अंदर एक अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म से मेरे जितने भी कोर्सेज हैं उन सबको देखा जाए और साथ साथ PYQs किए जाए। सर PYQ का मैंने ब्रह्मस्त्र भी सुना है कि लास्ट मोमेंट के लिए ब्रह्मस्त्र है, इनफैक्ट जिसने तैयारी अभी तक नहीं की है, तो उसके थ्रू सर कॉन्फिडेंस जो बच्चे को आएगा, उसको बच्चे को जो आइडिया मिलेगा कि लास्ट 10 ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, वो उसके लिए बिल्कुल रामबाण, कोई शक नहीं, लास्ट के मोमेंट में PYQs को देखना बहुत जरूरी होता है सर। ठीक है, यहाँ पर एक और मैं रामबाण वाला एक एडिशन बात लाऊंगा, आपने मुझे एक बात कही थी कि जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो अभी भी निकाल सकता है। बिल्कुल निकाल सकता है, अभी भी निकाल सकता है, जो आज ही ज्वाइन करे, कल ज्वाइन करे और स्टार्ट करे, हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो करे और मेहनत करनी है, इनपुट पे विश्वास रखे, आउटपुट पे विश्वास न रखे, इनपुट अच्छी होगी तो बढ़िया रहेगा। मैं अभी भी आपको शायद बोला था मैंने शायद कि एक कोर्स तो मेरा सर आज से ही आ रहा है, आज से ही मेरा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है,
रात को 9 से 11, ठीक है, जिसमें टॉप एडुकेटर्स हैं, मैं पूरा का पूरा मैथमेटिक्स संभाल रहा हूँ, जिसका नाम मैंने कट ऑफ कोर्स ही दिया है। एक मेरा कोर्स और आ रहा है 15 तारीख से, 15 मार्च से लेके सर 15 अप्रैल तक, सिर्फ 1 मंथ का कोर्स है। उसके अंदर ही मैं सर वही 13 चैप्टर्स करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, पूरे अच्छे तरीके से उन 13 चैप्टर्स का पूरा कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ विद पीवाई व्यूज। अगर कोई बच्चा आज की डेट में तैयारी करना चाहता है एनडीए की, तो वो कोर्स जरूर उसको देखना चाहिए, उसके अंदर सारा का सारा एक्सपीरियंस डालने वाला हूँ अपना पूरा। नहीं तो चलो मैं आपकी बात समझ गया, बट अब उन 13 डेज में आप ऐसा क्या करोगे, क्योंकि आप ये बता रहे एक्सपीरियंस डालने वाला हूँ, इट सीम्स लाइक अ मैजिकल, ठीक है। पास्ट ईयर क्वेश्चन की मैं अहमियत जानता हूँ, बहुत जानता हूँ, ठीक है। मैं एक सवाल यहाँ पर भी और डालूंगा, आप जवाब मत दीजिएगा, पास्ट ईयर क्वेश्चन रिपीट तो होते नहीं है, तो फिर क्यों इस सवाल का जवाब मत दीजिएगा। बट मैं पहले आता हूँ अनअकैडमी प्लस वाले कोर्स पे। एक महीने का कोर्स आप लेने को कह रहे हो, ठीक है, सस्ता है, ज्यादा कुछ है भी नहीं, 1000 रुपए के आसपास है, ठीक। अब यहाँ पर उसने ले लिया, बट वॉट नेक्स्ट, जब अनु सर से जुड़ रहा है, वो नेक्स्ट एक मंथ में क्या होने वाला है? 1 मंथ में सर बहुत कुछ होने वाला है। पहली बात तो मैं 3 आवर्स डेली देने वाला हूँ उनको। कैसे देने वाला हूँ मैं बताता हूँ। 2 आवर्स की तो क्लास होगी सर, ठीक है, 2 आवर्स तो हम उनको पढ़ाएंगे प्लस पे, जिसके अंदर मैं रोज 1 आवर 25 मिनट उनको कंटेंट दूंगा। तो बचे हुए 45 मिनट है, उसमें मैं उनको 25 से 30 क्वेश्चंस रैपिड फायर में उनको कराऊंगा, जिसके अंदर पीवाईक्यूज भी होंगे। ओके, अब मान के चलिए 30 क्वेश्चन मैं एक क्लास में देने वाला हूँ विद कंटेंट। तो अगर मैं 30 क्लासेस लेता हूँ सर, ये हो गए 900 क्वेश्चंस, राइट? दीज 900 क्वेश्चन विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम जो होने वाला है 18 अप्रैल, ठीक है। मैं एक बात लेकर आना चाहूंगा सर, आप मानेंगे एक साल बीत चुका होगा 11th के पढ़े हुए को, ठीक है, जिसके अच्छे नंबर भी आएंगे, कहीं ना कहीं ढील हो रखी होगी उसके, तो सर वो आपके साथ ज्वाइन करने में घबरा रहा होगा, या सर तो कह रहे थे कंसेप्ट आने चाहिए, मुझे नहीं आते होंगे थोड़े बहुत तो कुछ ना कुछ। यही तो है सर एक्सपीरियंस है ना सर। अच्छा, यही तो एक्सपीरियंस है ना। तो मतलब आप कंसेप्ट लाने वाले उन क्वेश्चन के द्वारा, आप उन क्वेश्चन के द्वारा कंसेप्ट भी करा दोगे? सर दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आई एम गोइंग टू मेक देम अंडरस्टैंड फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स, अच्छा, देन क्वेश्चंस, ओके, और क्वेश्चंस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे सर मेरी कॉपी से आज तक क्वेश्चन बाहर नहीं आया, आप मानेंगे? अच्छा, मेरी कॉपी के दायरे में रहता है क्वेश्चन। आपको मैं अपने मैसेजेस दिखा सकता हूँ, बच्चों के जो पेपर देके बाहर निकलते हैं और मुझे मैसेज करते हैं, जब पेपर देने के बाद सर मैं व्हाट्सएप उठाता हूँ बच्चे बात, तो बस मेरे व्हाट्सएप के मैसेजेस, मेरे टेलीग्राम के मैसेजेस जो हैं वो चलते रहते हैं सर, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे का मैथमेटिक्स नहीं भी है ना सर, मैं अभी 1 मंथ के लिए उस बच्चे की बात तो नहीं करूंगा जिसका मैथ्स नहीं है, जिस बच्चे के पास सर मैथमेटिक्स नहीं है, जो सिर्फ बायोलॉजी ले रखी है या फिर कॉमर्स स्ट्रीम का है, उसको ही मैंने सर 3 महीने के अंदर एनडीए के 150+ के लिए काबिल बना दिया। समझ कैसे नहीं आएगा? बिल्कुल समझ आएगा, यही तो एक्सपीरियंस है सर, जबरदस्त तरीके से सब समझ आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बात हो गई, ये तो मोटी मोटी बात में हम थोड़ा और गहराई में आ गए थे, अब जरा मैं थोड़ा और लेता हूँ सर। आप प्री बोर्ड के साथ जब आप बात कर रहे हैं प्री बोर्ड के साथ 11th की पढ़ाई की, ठीक है, अब सर डिफिकल्टी तो दोनों मैनेज करने में आएगी। आपने कहते 3 बजे तुम स्ट्रेट टाइम निकाल दो, उसके बाद वो सो यू आर emphasizing on overnight study, मतलब रात में being an owl बनो और फिर पढ़ाई करो, क्या कहना चाह रहे हो आप? मतलब इसमें क्योंकि मेहनत बहुत है, आप समझ रहे हो, वो वाली मेहनत हो गई कि कुछ खोना तो पड़ता ही है। ओके, अगर आपको एनडी में जाना है और आपने पहले स्टडी नहीं करी, एकदम से तुम्हारे अंदर आवाज आई मैं तो एनडी की तैयारी करूंगा, ओके भाई, 1 महीने वाला बच्चा कौन सा है जिसको एकदम से याद आई, ठीक है ना। अब मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकता, ये तो मेरा कॉन्फिडेंस है कि मैं करवा दूंगा उसको मेहनत, लेकिन वो मेरी सारी बातें मानेगा, ठीक है ना। पहली बात प्री बोर्ड की बात है, तो जिस दिन प्री बोर्ड है उससे एक दिन आपको एनडी की तैयारी नहीं करनी है, आपको प्री बोर्ड के लिए तैयार करना है। मैंने एक सबसे बढ़िया चीज सबसे पहले बोली आपको, 3 बजे से पहले पूरे दिन को बांटना है सर, अपनी 6-7 घंटे की आपको स्लीप लेनी है, सोना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है पढ़ाई के अलावा। 3 बजे से पहले आप CBSE की तैयारी करेंगे, 3 बजे के बाद आप एनडी की तैयारी करेंगे। सबसे पहला तो गेम ये है, ये माइंड में सेट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपके CBSE की जो आपने एक पूरे साल मेहनत करी है सर, उसके नोट्स बने होंगे आपके पास, कुछ तो स्कूल वालों ने भी पढ़ाया होगा, कुछ तो इन्होंने प्रॉपर अपनी स्टडी भी करी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, बच्चों को करना क्या है इस टाइम पे,
पूरा का पूरा रिवीजन करनी है कॉपी की, और जिस दिन प्री बोर्ड है उससे एक से दो दिन पहले आपको एनडीए की किसी भी बुक को नहीं छूना है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे आपके प्री बोर्ड बोर्ड्स पास प्री बोर्ड्स क्रॉस हो जाते हैं तो आपको भूल जाना है सीबीएसई को। सीबीएसई की पढ़ाई फिर 18 अप्रैल के बाद ही होगी। सीबीएसई की पढ़ाई तो 18 अप्रैल के बाद ही होगी सर। वो जो 15 दिन बचेंगे हमारे पास, 4 मई को पहला एग्जाम है सर, 4 मई को पहला एग्जाम है। 18 अप्रैल से 12 and 3, 15 days है हमारे पास, right? 15 डेज में सर इजिली सीबीएसई की तैयारी की जा सकती है अगर कोई बच्चा डेडिकेटेड है, ठीक है। अब एनडीए की तैयारी सिर्फ आपको स्किप करनी है एक से दो दिन जब प्री बोर्ड हो। सर ये ना बहुत चीजें चल रही होती है अभी ना लाइफ में, नंबर कम आना प्री बोर्ड में, पेपर खराब हो जाना, ठीक है, यू नो हार्ट बीट बढ़ना, सर मेरी जिंदगी में कुछ होगा कि नहीं होगा, ऐसे सवाल आना, ठीक है, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, और यहाँ पर बंदी होने का डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ा है ना। सो यू नो माइंड इज ब्लो ऑफ, क्या करें अभी। पहले तो मैं प्री बोर्ड का बोलता हूँ, स्कोर अप एंड डाउन हो रहा होगा, पेपर खराब भी जा रहा हो, प्री बोर्ड बनाए ऐसे जाते हैं कि पेपर खराब जाए, ठीक है, टफ जानबूझ के बनाए जाते हैं, तो पहले तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। व्हाट डू यू लाइक टू सजेस्ट ऑन दैट, पेपर खराब हो जाए तब क्या, क्योंकि सर आप कह रहे हो 3 बजे के बाद, मान लो कल है प्री बोर्ड, 3 बजे के बाद पढ़ाई मत कर दूं, ठीक है। मैंने अगर बोला था आपको कि अगर प्री बोर्ड आ गया, कल प्री बोर्ड की बात करें तो 2 दिन पहले नहीं पढ़ना है आपको एनडीए का। अच्छा, मैंने तो बोला है ना, अभी मैंने बोला 3 बजे के बाद पढ़ना है सर, बिल्कुल पढ़ना है। अगर प्री बोर्ड है सर पे तो डेफिनेटली वी हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स, एनडीए एज वेल एज सीबीएसई। ओके, सो व्हाट आर द मिस्टेक स्टूडेंट्स डू यू नो व्हाइल एनरोलिंग कट ऑफ, क्योंकि लास्ट टाइम भी हुए होंगे, ठीक है, कई बच्चों ने क्वालिफाई नहीं किया होगा, कई बच्चों ने करा है, 200 आए हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं करा, कुछ गलती करी है, वो क्या गलतियां थी? गलतियां सर बहुत टाइप की गलतियां हैं। जैसे सबसे पहली गलती तो है कि एक बच्चा पूरी प्रिपरेशन करके बैठा हुआ है, हाँ, 6 महीने से उसने तैयारी करी है, हाँ, दो बार मेरा कोर्स पढ़ लिया है, हाँ, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दिए। भाई आप अगर किसी जंग को लड़ने जा रहे हो, डायरेक्ट चले जाओ तुम जंग लड़ने, और एक जाओ प्रिपेयर होके, बहुत फर्क है। बट सर मॉक टेस्ट मोरल डाउन कर देता है बच्चों का, कैसी बातें कर रहे हो सर? अरे मैं बताता हूँ, मैंने भी एनडीए दिया। एक मिनट, मैं एक पॉइंट रखूंगा, एक पॉइंट, ठीक है। अब होता क्या है सर, पहली बार जब शुरुआत में देते हैं ना मॉक टेस्ट, नंबर बहुत कम आते हैं शुरुआत में देते हैं, और फिर ऐसा लगता है भाई जितनी प्रिपरेशन की सब बेकार गई, इसका मतलब नंबर कम आ रहे हैं, इसकी टेंशन अगर कोई बच्चा लेके बैठ गया तो इसका मतलब उसका मैच्योरिटी लेवल कम है। और एनडीए के बच्चे का इसको समझ, एनडीए के बच्चे को जरूर समझनी चाहिए ये बात कि आप मॉक टेस्ट नंबर्स के लिए नहीं दे रहे हो, आपके 1, 2, 3 मॉक टेस्ट के बाद नंबर अपने आप आएंगे। एक मॉक टेस्ट होना देना सर, आपको कम से कम 7-8 मॉक टेस्ट देने हैं, शुरुआत के में कम आते ही ये नंबर, हमारे भी कम आए थे। अच्छा, लेकिन हमने जो मॉक टेस्ट देने हैं ना सर, हाँ, अपनी गलतियों को पहचानने। अच्छा, तो सामने वाला जो अटैक कर रहा है कहां से छुप छुप के अटैक कर रहा है, कहां से गोलियां मार रहा है, हमें अपने एनिमी को पहचानना है। अच्छा, उसके लिए मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। आपके नंबर मान लो नहीं हुआ आपका मॉक टेस्ट का, पहला पेपर आपने दिया मॉक टेस्ट, भाई अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपने मॉक टेस्ट दिया और आपका नंबर आया सिर्फ 90 नंबर, आपकी तो कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, और डिसाइड करिए कट ऑफ अनअकैडमी की एनालिसिस हुई जब यूट्यूब पे कि भाई इस पेपर में 130 आने चाहिए, अब आपके आए 90, तो आपका अगर मोरल डाउन हो गया इसका मतलब है कि आपके एडुकेटर ने आपको सही गाइडेंस नहीं दे रखी। सीधी बात है। मोरल थोड़ा डाउन करना है, अब दूसरे पेपर के लिए तैयार करना है, सेकंड मॉक टेस्ट के लिए उखाड़ेंगे उसको, ठीक है। मैं तो बच्चे को ये पहला पॉइंट बता रहा हूँ सर, ये वो बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 6-6 महीने 8-8 महीने तैयारी करी, और ये छोटी सी गलती कि 7-8 मॉक टेस्ट नहीं दिए, मॉक टेस्ट दिए बिना पेपर में चले गए, और जब पेपर से बाहर आए तो पता लगा भाई गड़बड़ हो। तो 1 महीने वाले को नहीं कहेंगे जिसने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी वो मॉक टेस्ट दे? जैसे ही 15 दिन हो जाएंगे सर, हाँ, बच्चे के जैसे ही 15 दिन हो जाएंगे, हाँ, मैंने आपको बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन 13 चैप्टर्स के लिए कोर्स लेके आ रहा हूँ, उन 13 चैप्टर से क्या क्वेश्चन जो मैं आएंगे, मैं आपको बताया तो 63-65 क्वेश्चन आएंगे। 15 दिन के बाद उन बच्चों को मैं बोलूंगा मॉक टेस्ट करने के लिए, क्या कहते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म, उस मॉक टेस्ट में मैं उनको बोलूंगा बच्चों आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन करने हैं, बाकी पेपर को भूल जाना जो मैंने पढ़ाया है, बाकी पेपर में अगर कुछ आता है तो वो आपका एड ऑन होगा, राइट, टॉपिक्स कहते हैं ना एड कर लो, हाँ, वो वाली बात होगी। ओके, 15 दिन के बाद सर वो बच्चा मॉक टेस्ट देगा,
ज्यादा नहीं देगा, 3 देगा बस, क्योंकि अच्छा, एक दिन टाइम कम मिलेगा। ठीक है, मैथ्स 3 जीए। ठीक है सर, मैं बताता हूँ मॉक टेस्ट को देखते कैसे हैं। जो भी नंबर आए, फेल आए, कम आए, ज्यादा आए, ठीक है, आपने कहा था 2-3 पेपर के बाद बढ़ जाएंगे अपने आप। ठीक है, अब बढ़ने के लिए उसने कुछ करा तो करा होगा, अपने आप तो मैजिक है नहीं, बाबा जी की बूती तो नहीं लगी है। अब वो उन पेपर को कैसे देखे, मतलब उसको दोबारा पूरा सॉल्व करे, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर उस पेपर के अंदर पहली बात तो है कि बहुत सारे क्वेश्चन तो वो ठीक ही करके आया होगा। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन तो ठीक करके आया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आया होगा। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन जो गलत करके आया होगा, सबसे पहले तो उस पे काम करना है। ओके, सबसे पहले तो उस पे काम करना है कि गलतियां कहाँ कहाँ हुई है। यार इसमें तो 2 था और मैंने इसको -2 लगा दिया, मतलब छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स हैं, उसको उसको लिखना पड़ेगा। ओके, मॉक टेस्ट के पीछे लिखना पड़ेगा कि ये मेरी पहली गलती है, ये मेरी दूसरी गलती है, मुझे 2D पढ़ना चाहिए, 2D ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता है, मेरे को लगता है कि अगले मॉक टेस्ट तक मुझे ये 2 चैप्टर तैयार करने चाहिए। इस तरह से उसको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट दिया, अरे मेरे 90 नंबर है, छोड़ो, साइड में रख दिया मॉक टेस्ट, अब तो मॉक टेस्ट के बारे में बात नहीं करनी, अब अगले में देखेंगे। ना, उन दिनों में ही उस मॉक टेस्ट में काम करना है, उसी मॉक टेस्ट पे जहां तुम गलतियां करके आए। ठीक है, सो दैट्स मॉक टेस्ट अनअकैडमी के उस पे भी आता है, राइट? ठीक है, एक बात बताइए, जो आपके कोर्स में एनरोल हो जाता है तो बंदा टेलीग्राम से भी जुड़ जाता है, राइट? है ना, तो उस टेलीग्राम में भी कुछ आप देते हैं क्या? है वो जो बड़ा काम का आता है वो? मैं DPPs देता हूं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, मेरी 100 DPPs की सर बुक है। अच्छा, 100 DPPs टू क्रैक NDA के नाम से। ओके, 100 DPPs टू क्रैक NDA, DPP मींस सर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं उसमें अनअकैडमी का लोगो लगाता हूं अपनी बुक के DPPs पे और बच्चों को देता हूं DPPs करने के लिए। अब जो बच्चे मेरे साथ एनरोल करेंगे, जो मेरा जो 30 डेज का क्रैश कोर्स आएगा, उसमें मैं सिर्फ 13 चैप्टर की DPPs दूंगा। ओके, बाकी नहीं, क्योंकि फिर सर पता क्या होगा, अगर मैं उनको सारी चैप्टर दे दूंगा तो वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं, बात सही भी है सर, जरूरत भी नहीं है, लेवल होगा और कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा सर, एक बात और मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, बहुत बातें हो गई यहाँ पर। आपने मैं एक बात आपने कहा था कि बहुत सारी गलतियां करते हैं आपके कट ऑफ में, कट ऑफ वाला जो आपका बैच है, बहुत सारी, उसमें से एक गलती आपने बता दी। कोई और गलती आप एम्फसाइज करना चाहेंगे जो बच्चे ज्यादा करते हैं? नेगेटिव मार्किंग, मतलब तुक्काबाजी करते हैं बच्चे, गेस करते हैं, तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। मतलब बच्चों को लगता है कि अब तो कुछ हो नहीं रहा। मैं आपको बताता हूँ, 2016 का सेकंड पेपर सर, 2016 का जो सेकंड पेपर था, उसमें मेरा स्टूडेंट 29 क्वेश्चंस करके आया बस, 78 मार्क्स थे सर। ओके, 78 थे, हाँ इतने थे, एक आधा गलत हुआ वो जो भी, और उसका रिटर्न क्लियर हो गया सर। 120 क्वेश्चन में से 29 क्वेश्चंस, बहुत कम है ये, बहुत कम है। मुझे लगा आप कहने वाले हो कि नहीं हुआ उसका। नहीं, हो गया उसका, रिटर्न क्लियर हो गया सर, आप बिलीव करोगे इस चीज को? मैथमेटिक्स में 78 मार्क्स गेट करे उसने, 25% आपको पता है कट ऑफ होती है। हाँ, तो उससे एक आधा नंबर उसका ज्यादा था। ओके, ठीक है, रीजन क्या था उसका क्लियर होने का आपको पता है? क्योंकि उसने नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर ही करी, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है, अब मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर, सच सच बताइएगा, आपने भी करा होगा, मैंने भी करा है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जब क्वेश्चन है 50-50 लगता है, ठीक है, तो लगता है दिल में, जब 4-5 50-50 दिखते ना, एक ही दो साइड के पेपर में, तो ऐसा लगता है भाई लगा दे, क्या पता ठीक हो जाए। हाँ, ये होता है, लेकिन और बहुत गट फीलिंग आती है भाई, कर दे मां, कर दे। ये तो हेड टेल वाली बात है सर, हेड आया टेल आया। अगर देखो सर, एक होता है गैस, एक होता है स्मार्ट गैस, आप तो समझते ही हो, तो गैस और स्मार्ट गैस में फर्क है। बच्चे को अगर गट से फीलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा जबरदस्त फीलिंग आ रही है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा गैस करने के लिए। लेकिन अगर उसने कुछ अच्छा स्कोर, उसको लग रहा है कि 50-60 क्वेश्चन करके बैठा है, ठीक है ना, अच्छा, तब वो कर सकता है। वो बच्चा अगर 35 क्वेश्चन में फंसा हुआ है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए गैस, बेचा 50-50 लगता हो, बेचा 90-10 लगता हो, नहीं करना चाहिए। बट एक बात मैं आपको बताऊं सर, एनडी के पेपर के अंदर ना ऑप्शंस का बहुत बड़ा रोल है। अगर स्टूडेंट को अच्छी गाइडेंस मिली हुई है, अच्छे एडुकेटर्स मिले हुए हैं, अच्छी मेहनत करने वाला बच्चा है, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस ऑप्शंस के थ्रू कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। कैसे सर? बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हिट एंड ट्रायल बेस्ड होते हैं। अच्छा, ऑप्शंस को डिलीट करना आना चाहिए बच्चे को। ओके, कर सकता है, लेकिन कंडीशन यही है कि बच्चे ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हुआ है। एक बच्चा डायरेक्टली चला गया बिना पढ़े, उसके लिए तो सब कुछ सेम ही है, वो तुक्का मारेगा ही, ऑब्वियसली बात है, गैस करेगा। गैस करेगा, तो ये सब सीखने को मिलेगा आपके कट ऑफ वाले कोर्स में, बहुत सीखने को मिलेगा। मैं तो सर पूरा का पूरा डेडिकेटेड रहता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट, आपकी आगे बता रहे हैं, रिजल्ट क्रिएट करना है। अच्छा, ये तो है।
चलिए, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। चलिए अब एक आखिरी क्वेश्चन के साथ एंड करूंगा मैं, बिल्कुल ठीक है? इसके बाद नेगेटिव मार्किंग हो गई, ये आपने बता दी। एक और कोई ऐसी बात जो बहुत बच्चे करते हो? पेपर से पहले कर देते, पेपर क्या? में तो करेंगे। कहते सर ओवर कॉन्फिडेंस, अच्छा ओवर कॉन्फिडेंस मैक्सिमम बच्चों को मार जाता है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैथमेटिक्स में सर दो तीन चैप्टर ऐसे बोलूंगा मैं जिसमें बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हैं और वहां से वो अपना रिटर्न खराब कर लेते। अच्छा स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर है सर, स्टैटिस्टिक्स, बच्चा पढ़ने को तैयार ही नहीं है उस चैप्टर, और उसमें से 8 क्वेश्चन आते हैं। बच्चों को लगता है उसको तो आता ही है, ये अर्थमेटिक मीन मीडियन मोड कौन निकालेगा, ये तो कर ही लेंगे यार। ओके ऐसे और भी उसके माइंड में कुछ चैप्टर चल रहे होते हैं जिनको वो लगता है कि कर लेंगे यार, हो जाएगा, और पेपर में वो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वो कर नहीं पाते हैं। उसको बोलते हैं सर ओवर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से वो मार खा जाते हैं। तो आपको याद रखना है, बच्चे सुन रहे हैं तो याद रखेंगे इस बात को कि बेटा कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना नहीं है। होगा। पेपर इज सो अनप्रिडिक्टेबल, आप नहीं जानते क्या आएगा, ठीक है ना? और नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान रखना है, मतलब उसको नो नेगेटिव अच्छे से मार्किंग पॉलिसी रखनी है अपने दिमाग में, बिल्कुल कुछ भी हो जाए मार्क नेगेटिव नहीं करेगा। नेगेटिव नहीं करना। और मैं एक मैसेज और देना चाहूंगा इस एक महीने की जो तैयारी होने वाली है तुम लोगों की प्लेटफॉर्म पे, कि क्वालिटी पे ही काम करना है। कई बच्चे कहते हैं कोर्स करवा दो, कोर्स करवा दो। अरे कोर्स करके एंड ही नहीं होगी, कोर्स करके एंड ही नहीं होगी, अच्छा तरीके से कोर्स करके एंड ही होगी। आप 13 चैप्टर ही कर लो बस, लेकिन क्वालिटी के साथ कर लो। मैं आपको गारंटी देता हूँ 150+ स्कोर करेंगे आप, 150+ स्कोर, सिर्फ 13 चैप्टर। आप सोचो आपका कोर्स है ही नहीं 37 चैप्टर का, 13 चैप्टर का कोर्स है। ठीक है सर, मैं आपकी सारी बात समझ गया। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। एक आखिरी बात, एक एक डर और है, वो ये है कि सर मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली पर मुझे डर है कि मैं वहां परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सर थोड़ा डर होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत होना भी चाहिए, लेकिन कई बच्चे तो बहुत ही डर जाते हैं, हाँ ठीक है? वो उनका लैक ऑफ कंटेंट होता है सर। जिसका कंटेंट अच्छा है उसको कॉन्फिडेंस है, जिसका कंटेंट अच्छा नहीं है उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं, कि हमें ऑलरेडी पता है कि कॉन्फिडेंस है हमारे कंटेंट के ऊपर। आपको कॉन्फिडेंस है अपने क्वेश्चंस पे, मुझे अपने कॉन्फिडेंस है अपने आंसर्स पे, तो कॉन्फिडेंटली वी आर सिटिंग है। तो स्टूडेंट के पास अगर कंटेंट की क्वालिटी नहीं है तो उसको एंड तक डर लगता ही रहेगा सर। और मैं आपको बताऊं, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो बच्चों के साथ ये है कि उनको चैप्टर क्लोज ही नहीं करना आता। एक चैप्टर मतलब को लेके बैठे हुए हैं, हाँ बैठे हुए हैं, इस बुक से भी कर लेते हैं, उस बुक से भी कर लेते हैं। भाई जितनी ज्यादा बुक्स तुम पढ़ोगे क्वेश्चंस की, इस टाइम की बात कर रहा हूँ सर मैं, 1 महीने की, वो हाँ तो क्या कोर्स खत्म तो पहले से उनके माइंड में हो जाना चाहिए कि कोर्स तो हो ही नहीं सकता भाई 1 महीने के। दूसरी बात है, बच्चा चैप्टर को क्लोज करना नहीं जानता। मैंने दो टाइप के बच्चे देखे हैं सर, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक जो स्टार्ट नहीं कर पाता, चैप्टर से डरता है, दूसरा चैप्टर को क्लोज नहीं कर पाता। चैप्टर को क्लोज करना भी आना चाहिए। एक बच्चा चैप्टर लेके बैठ गया, उसको क्लोज ही नहीं कर पा रहा। नहीं तो सर क्लोज कब करें भाई, उसकी भी डाउट बिल्कुल शंका सही है कि यार ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कोई ना कोई कुछ बोल रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, डाउट्स आते रहेंगे, बिल्कुल सही बात है, उसको सॉल्व हम करते रहते हैं, लेकिन हाँ एक टाइम पे स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये चैप्टर मेरा हो गया, मेरा कंटेंट अनुसर ने या कोई भी एडुकेटर ने बेस्ट दे दिया है, अब इसको क्लोज करके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सर मॉक टेस्ट देने के लिए जब तक चैप्टर क्लोज नहीं होंगे, मॉक टेस्ट पे धावा कैसे बोलेगा बच्चा? तो मतलब मॉक टेस्ट पे उसको, धावा नहीं बोलेगा तो पेपर में अच्छा स्कोर ही नहीं कर मतलब पाएगा। एजुकेटर पे उसको विश्वास रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा अपने ऊपर, विश्वास रखना पड़ेगा उसको कि मैंने क्वालिटी की क्वेश्चन सीख ली है, मैंने क्वालिटी क्वेश्चन सीख ली है, मैंने मैक्सिमम डाउट पूछ लिए हैं, और डाउटों का अंत होता नहीं है, वो तो आते ही रहेंगे। तो आपको चैप्टर क्लोज करना आना चाहिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। बच्चा चैप्टर क्लोज नहीं करता, उनको लगता है कि 3-4 चैप्टर ही हुए हैं, ठीक है? ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। ये बात तो है, ये बात तो है। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड सर, थैंक यू सर। जय हिंद सर। सो मेरी आपको यहां पर राय है कि इस कोर्स में जाके एनरोल हो, सिर्फ 1000 रुपए का है, ज्यादा पैसे भी नहीं है। अपना समय बर्बाद मत करें कहीं जाने में, टाइम वेस्ट करने में, नोट सर्च करने में। 1000 रुपए इज वर्थ टू इन्वेस्ट। एंड वो जो डर आप जिस डर के साथ आप जी रहे हो, जो रोज आपको सता रहा है सुबह उठने से, वो आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक फिक्स शेड्यूल होगा, फिक्स टीचर होंगे, फिक्स नोट्स होंगे, वही आपको करने हैं। एनडीए इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ एंड गेट इन टू क्लास। क्लास 15 मार्च से स्टार्ट हो रही है। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो
वो है अंतिम पगों के निशान।